नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ड्राइंग के बारे में। जो ड्राइंग एक्चुअली मेरे पास आया है लेकिन थोड़ा गड़बड़ आया है, तो इसी के बारे में। अभी ड्राइंग को सुधरने के बाद ड्राइंग ये आया है, ठीक है। अभी देखिए, आपको भी दिख रहा है ड्राइंग सुधरने के बाद। ये नॉर्मल एक सर्वे का ड्राइंग है, डिटेल सर्वे हुआ है। जैसे ये टावर 137 है, अभी ये इधर आसपास में यहाँ है, ये प्रपोज टावर है आपका, ये है प्रपोज टावर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक जो नॉर्मल सर्वे होता है वैसा ही, एक डिटेल सर्वे होता है वैसा ही, ठीक है। ये एंगल टावर है ऐसे, लेकिन ये ड्राइंग ऐसा नहीं आया था मेरे पास। जब एक्सेल शीट से मैं कॉपी किया ड्राइंग को, ऑटोकैड में लेके आया, तो ये ड्राइंग आया था ऐसा, ठीक है। ऐसा ड्राइंग आया था, शायद आपको दिख रहा है, ये ड्राइंग गलत आया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सही आया है। उसके बाद ये ड्राइंग यहाँ से यहाँ मुड़ गया। मतलब यहाँ पे गलती कहाँ हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे, मैं स्टडी किया ड्राइंग को, इस एरिया पे जाने के बाद, ये देखिए ये नाला वगैरह है, इस एरिया पे जाने के बाद नाला के आसपास से जो सर्वे का टाइम जो बैक साइड हुआ है उसी में उल्टा बैक साइड हुआ। ये एक्चुअली लिंक कोऑर्डिनेट है, जो GPS कोऑर्डिनेट को TS में डाल के सर्वे होता है उसी में। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है जो बैक साइड में, मतलब समझ लीजिए अभी बैक साइड 1 बैक साइड 2 है, तो जो सर्वेयर ने मशीन बिठाया बैक साइड 1 पे, लेकिन कोऑर्डिनेट डाल दिया बैक साइड 2 पे, बैक साइड 2 का कोऑर्डिनेट डाल दिया स्टेशन कोऑर्डिनेट पे और बैक साइड पे डाल दिया स्टेशन 1 का। तो कोऑर्डिनेट तो मैच हो जाएगा, सर्वे का टाइम कोऑर्डिनेट तो मैच हो जाएगा, एक्यूरेट दिखा देगा, लेकिन जब आप सर्वे कंटिन्यू करते रहेंगे उसको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में जब ये ड्राइंग आपको ऑटोकैड में लेके आएंगे तो ड्राइंग उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, इसका एक ही बार गलती हुआ है बोल के ऐसा हुआ है। लेकिन ये सभी के साथ हो सकता है, ये नॉर्मल मैटर है, क्योंकि आदमी से तो गलती हो ही सकता है, लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है। सुधारने के लिए आपको फाइनली देखना पड़ेगा जे कहाँ से ये रोटेट हो गया है या गड़बड़ हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस एरिया के आसपास से रोटेट हो गया, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो मतलब एक लाइन आपको जो जो टावर है, टावर का लाइन खींचना पड़ेगा। तो टावर का लाइन खींचने के लिए अपने को जो चाहिए होता है, जैसे हम लोग एक टावर का लाइन खींच लेते हैं, तो टावर का लाइन हम लोग खींच लेने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा तो कहाँ से ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे गड़बड़ हुआ है उसी हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। जैसे एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, माउस थोड़ा ख़राब है। इसी एरिया के आसपास में इसे होना चाहिए लगभग लमसम। मैं एक सीधा लाइन ही खींच लेता हूँ, जैसे इसी आसपास एक टावर होना चाहिए। हाँ, जैसे ये टावर है, उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या काम गलत कर गया बोल के यहाँ पे आ गया दूसरा टावर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया एक तीसरा टावर, यहीं तक डाटा मेरे पास आया है, यहीं पर गड़बड़ हुआ है बोल के यहीं तक आया है, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं एज़ पर टावर के शेड्यूल से, टावर के हिसाब से लाइन खींचूंगा तो ऐसे लाइन आ रहा है, तो ऐसे लाइन तो होना नहीं चाहिए। तो अपने को करना क्या है, सिंपल सा मैटर है, अपने को इस एरिया को सिलेक्ट करना है और इसके लिए चाहिए GPS कोऑर्डिनेट। लमसम जो टावर का GPS कोऑर्डिनेट है, ओरिजिनल GPS से उठाया हुआ कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए। तो मेरे पास GPS कोऑर्डिनेट मैं लिया, उन लोगों ने नहीं लिया था कोऑर्डिनेट, फिर भी मैं कहाँ से डाउनलोड किया, एक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड किया, तो इसी एरिया के आसपास कोऑर्डिनेट आ रहा था, इस एरिया के आसपास। तो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाने से क्या, कैसे घुमाना पड़ेगा, आपको ये टोटल एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लगभग ये आपको एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए आपको एक बेसिक पॉइंट चाहिए जो मैं टावर के थ्रू ही पकड़ूंगा, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आप इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे मतलब लमसम ऐसे रोटेट होगा लाइन, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको घुमा दिया, ये आपका लाइन सही हो जाएगा। अगर मैं, मेरे पास ये टावर का कोऑर्डिनेट है, मतलब GPS कोऑर्डिनेट है, तो GPS कोऑर्डिनेट आपको पुट करेंगे ऑटोकैड में तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो ये सर्वे गलत हुआ है और कहाँ पे लाइन को लेके आना था। तो उसी हिसाब से इसको सेट करना था, और ये सेट हो जाने के बाद आपको कुछ वगैरह एडिट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं देखूँगा ध्यान से, तो इस देखिए ये कुछ GL वगैरह है, ये कुछ GL वगैरह ही ये गलत हो गया, ठीक है। ये नाला तो सही आ गया,
क्योंकि यहाँ तक आपका पॉइंट सही था, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट एरर आ जाएगा। यह आपको चेक करना पड़ेगा कैसे, जो जीए जो जीएल का जो पॉइंट है, जैसे देखिए ये 139 140, आपका ये 141, मतलब ये लाइन वैसे लाइन सही है क्योंकि ये वो लोग इस साइड से सर्वे किया है। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 28 34 37, देखिए ये पॉइंट उल्टा आ गया, मतलब ये पॉइंट को आगे आना है। तो ऐसे जिसने एक सर्वे किया उसको लेके बिठा के आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपका ये लाइन सही हो जाएगा। मतलब मेरा मतलब बोलने का ऐसा ही है, अगर सर्वे करना है तो ध्यान से करना है, बैक साइड के टाइम थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि बैक साइड अगर गड़बड़ हो जाता है तो ड्राइंग ऐसा हो जाता है। ठीक है, जैसे ड्राइंग कैसा हो जाता है अगर मैं अंडू कर दूंगा तो मालूम पड़ेगा, अगर मैं अंडू कर दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसे करेंगे तो मालूम पड़ जाता है जो गड़बड़ कहाँ हुआ है। देखिए ये लाइन ऐसा हो गया था, ये लाइन ऐसा हो गया था जब ड्राइंग मेरे पास आया था, तो इसको सही करने के उपाय मैं बता दिया। अभी आप लोगों का क्या मैटर है, आप लोगों का मैटर है आप लोग जब सर्वे करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी मेरा जो किया यहाँ तक ये प्रॉब्लम है, अभी यहाँ जो नाला वगैरह है देखिए ये शायद नाला है, ये नाला मेरे को पूछना पड़ेगा जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली रोड जो एपी से कितना मीटर दूर था, या मुझे गूगल अर्थ में चेक करना पड़ेगा नाला कहाँ है कितना मीटर दूर है, उसी हिसाब से ये पॉइंट को मेरे को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। आप लोग जब सर्वे करेंगे सर्वे करिए ठीक है, लेकिन साइड बैक साइड के टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिंक कोऑर्डिनेट अगर है लिंक कोऑर्डिनेट को सही से डालिए, मतलब अगर स्टेशन वन का कोऑर्डिनेट स्टेशन वन पे ही डालिए, स्टेशन टू का कोऑर्डिनेट स्टेशन टू पे ही डालिए। अगर उल्टा डाल देंगे तो बैक साइड तो मैच हो जाएगा लेकिन कोऑर्डिनेट भागता रहेगा, ऐसा कोऑर्डिनेट भागता रहेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कोऑर्डिनेट भाग गया। जब ये डाटा आपका ऑटोकैड में आएगा तब पूरा डाटा गलत हो जाएगा, और इस अगर ज़्यादा गड़बड़ कर दिया तो पूरा सर्वे ही गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से करिए सर्वे। जैसे ये बंदा मुझे को मेरा जूनियर है, मैं दोस्त भी है एक तरह से जूनियर भी है, तो इसने मेरे को ये प्रॉब्लम आया वो मेरे को भेजा है, इसको मैं शॉर्ट आउट कर दिया और थोड़ा बहुत बाकी रह गया, जैसे ये सब थोड़ा बहुत बाकी रह गया है वो मैं उससे पूछ के कर लूँगा। मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ये हिस्सा मेरा प्रॉब्लम में रह गया है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये मैं उसको डाटा सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैटर यही हो जाता है थोड़ा जब सर्वे करना होता है थोड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो जब डाटा ऑटोकैड में लाइन लेंगे तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। क्योंकि देखिए ऑटोकैड में लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा डाटा गलत है सही है, आपको डाटा गलत है सही है ये फील्ड में भी चेक कर सकते हैं। फॉर दैट एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल दैन आपने यहाँ पे राइट यहाँ पे टावर का कोऑर्डिनेट लिया टोटल स्टेशन से, ये कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पे जीपीएस कोऑर्डिनेट भी लीजिए और दोनों को मैच करके देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, पॉइंट के बाद एक दो डिजिट चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो मान लीजिए आपने गलत कर दिया। और इस गलती अगर ना हो इसके लिए क्या उपाय है, इस गलती अगर ना हो इसके लिए उपाय है, आपको जब भी सर्वे करना है जब स्टेशन लगाना है, स्टेशन थोड़ा दूर लगाना होता है 50-100 मीटर के ऊपर दूर लगाना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो जो स्टेशन लगा है उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट लेना है और बैक साइड का भी जीपीएस कोऑर्डिनेट लेना है। दोनों का बैक साइड करने के बाद दोनों कोऑर्डिनेट चेक कीजिए, अगर ज़्यादा अंतर हो रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा गड़बड़ है। और एक रास्ता है, आप बैक साइड कर लिए ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैक इस एरिया पे बैक साइड किए, ये दोनों पॉइंट बैक साइड करने के बाद पीछे वाला कोई भी एक पॉइंट पकड़ के उसको सेट आउट में डाल दीजिए। सेट आउट में डालने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा मशीन कहाँ घूम रहा है, अगर मशीन इस साइड घूम गया तो आपको ये डाटा सही है, अगर मशीन नहीं घूमा तो डाटा गलत है। कुल मिला के इतना तक ही है मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।